आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन पर क्लिक कर उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे कस्टर्ड आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे, आधा कटोरी ठंडा दूध, एक कटोरी चीनी। एक बाउल में हम दो बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर में हम ये ठंडे दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। गैस पे हमने दूध चढ़ा रखा है, एक लीटर दूध लिया है हमने। इसमें हम कस्टर्ड को दूध में मिक्स कर लेंगे, इसमें चीनी भी हम ऐड कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। इसे तब तक चलाते रहे जब तक ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए, और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए ये दूध हमारा ठंडा हो चुका है और ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हम इसमें वेलिना एसेंस ऐड करेंगे। आप ज़्यादा नहीं डालें, इसमें दो या तीन बूंद ही डालें। इससे स्मेल ही आती है, अच्छी खुशबू आती है इससे। हमने फ्रूट्स पहले से ही काट के रखे हुए हैं, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज और बनाना। आप चाहे तो इसमें अनार भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड में हम ये सारे फ्रूट्स को ऐड कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे फ्रूट्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे फ्रीज में रखिए। ध्यान रहे इसे फ्रीजर में ना रखें, नॉर्मल फ्रीज में ही रखें। इसे ठंडा होने के बाद आप इसे एक बॉल में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप घर पे ज़रूर प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों को, खासकर बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा, सभी को ये कस्टर्ड बहुत ही पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।